आजमगढ़ जहानागंज थाना क्षेत्र के जहानागंज बाजार में करहा रोड बवाली मोड़ के पास स्थित दीपक राजभर के मकान में एक पादरी प्रत्येक मंगलवार को आ रहा है और झाड़ फूंक करके हिंदुओं का धीरे धीरे प्रलोभन और अंधविश्वास के नाम पर धर्मांतरण करवा रहा है। दीपक राजभर के मकान में लगभग 30-40 महिलाओं को एकत्रित कर झाड़ फूंक कर रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जहानागंज थाने को सूचित किया, जिसके बाद 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। आज एक धर्मांतरण का मामला आया, कहाँ पे आया और क्या है पूरा मामला? मामला ये जहानागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहती जगदीशपुर गांव है और वहाँ एक बवाली मोड़ पड़ता है, उसी के पास एक दीपक राजभर जी उनके मकान है। पिछले मंगलवार को हमें सूचना मिली कि वहाँ कुछ लोग आए हुए हैं और झाड़ फूंक कर रहे हैं, उसका वीडियो भी आया हमारे पास, तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है अगली बार भी देखते हैं। तो इस मंगलवार को भी वो आज आए हैं वहाँ पर और 30-35 महिलाओं और बच्चों को बटोर करके और झाड़ फूंक कर रहे थे और उनको ठीक कर रहे थे, चंगाई सभा बोलते हैं, चंगा कर रहे थे सब कोई लोग। तो उस पर हम लोग सूचना मिली, वहाँ प्रशासन से बातचीत किया गया, वहाँ पर मौके पर पुलिस गई है और लोग गिरफ्तार करके लाए, 3 लोग गिरफ्तार किए गए अभी और आगे की कार्रवाई जाए। जी अभी एप्लीकेशन दिया जा रहा है, पुलिस जाँच कर रही है, अब आगे जैसा होता आपको सूचना दी जाएगी। अभी ये जो व्यक्ति पकड़े गए हैं ये झाड़ फूंक करवा रहे हैं, उसका वीडियो भी हम लोग के पास है और तमाम बातें लोग कह रहे हैं कि भाई आप ठीक हो जाएंगे, आप ईसाई बन जाएगी, शुरू कर जाएंगे, तो ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं। और ऐसे आजमगढ़ में तमाम मामले आ रहे हैं और इधर बीते एक हफ्ते में 3रा मामला पकड़ा गया और इस पर मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इनके जो जिले स्तर के लोग हैं, जो चर्च के प्रमुख लोग हैं, उनके साथ बैठ करके एक बार जिला प्रशासन बातचीत करे कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं इसको ये लोग बंद कराएं, का अन्यथा ऐसे ही मामले सामने आते रहेंगे। शासन की जो मंशा है धर्मांतरण न हो लालच दे करके, उस पर जिला प्रशासन रोक लगाने का कार्य करे।